हाय, वेलकम टू द सेकेंड व्लॉग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ थोड़ा सा अलग। लास्ट टाइम हमने जब बात की थी, हमने मेरी जर्नी की बात की थी, बट आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के डीएम्स हैं एंड उनको ये चीज़ समझना भी था। एंड मैं अपनी जर्नी के थ्रू बताता हूँ कि कैसे मैंने किया, विच इज़ हाउ टू मेक मनी फ्रॉम फ्रीलांसिंग, राइट। तो अभी मुझे तकरीबन हो गया है टाइम, मैं 1.5-2 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, विच इज़ मेकिंग कॉन्टेंट, फाइनेंस रिलेटेड एंड एवरीथिंग लाइक दैट। अब पैसे कैसे आएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो जब मैंने इंस्टाग्राम पे शुरुआत की और धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे यूट्यूब में 1,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने पे, सब्सक्राइबर कंप्लीट करने पे और 4,000 का वॉच टाइम कंप्लीट करने पे आपकी मोनेटाइजेशन शुरू हो जाती है। वैसे इंस्टाग्राम पे भी कुछ ना कुछ तो होगा, राइट, कि फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो कभी होगा। तो वो नंबर मुझे लगता था कि 5,000 है। जब मेरे 5,000 फॉलोअर हुए तब तक कुछ पैसे तो नहीं आ रहे, वो ईमेल नहीं आया इंस्टाग्राम से, मुझे लगा ये नंबर 10,000 है, बहुत पॉजिटिव था, 10,000 पे तो होना ही चाहिए, बट 10,000 पे भी कुछ नहीं है। फिर 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 25,000 फॉलोअर होने के बावजूद मैंने 1 रुपया नहीं कमाया था इंस्टाग्राम से। फिर वो 30,000 हुआ, 32,000 हो गया, अब मेरा दिमाग खराब हो गया, यार रील्स में मेहनत तो लगती है, वीडियो बनाने में, स्क्रिप्टिंग, एवरीथिंग एवरीथिंग मेहनत कर रहा हूँ बट पैसे नहीं आ रहे, क्या हो रहा है ये। एंड वो तब ऐसा टाइम था कि मैंने जॉब भी छोड़ दिया था, अब मुझे फिगर आउट करना है कि मैं पैसे कहाँ से कमाऊँ। तो मैंने एक बहुत अच्छे दो फाइनेंस के कंटेंट क्रिएटर है, उनका एक पेज है, वो पेज मैंने ज्वाइन किया। बेसिकली आई रीच आउट टू देम, वो लोग भी लोग खोज रहे थे जिनको वो अपने टीम में ऐड कर सके, तो आई रीच आउट टू देम एंड दे वर वेरी नाइस टू मी। सो बेसिकली ये पेज है फिन कॉकटेल, ठीक है। एंड जो फाइनेंस के कंटेंट देखता है उसको पता होगा कि ये दोनों बहुत अच्छे, साइली और नियति। तो मैंने इनसे बात की एंड दे वर लाइक, यार तेरे खुद के 32,000 फॉलोअर है तो क्यों ज्वाइन करना चाहता है। अब एक तो ये था कि ऑफ कोर्स मुझे समझना था कि फाइनेंस कंटेंट कैसे बनाते हैं और अच्छा होना था, बट बैक ऑफ द माइंड ये था कि यार इनको स्पॉन्सरशिप कैसे मिल रही है, ब्रांड डील्स कैसे मिल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं आ रही है, एक भी ब्रांड डील नहीं आ रही, ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, मुझे वो फिगर आउट करना था, बैक ऑफ द माइंड वो था। बट ये दोनों से जब बात किया मैंने, मैंने रियलाइज़ किया कि और बहुत सारी चीज़ें सीख सकता हूँ, तो मैंने इनकी टीम ज्वाइन की। काम था मेरा बेसिकली ये देखना कि इंस्टाग्राम का इनका रीच बढ़े, यूट्यूब का रीच बढ़े, तो मैंने बहुत अच्छे से काम करना शुरू किया। 4-5 दिन मैंने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छे से मैंने डिटेल विटेल सब बना के दी। फिर एक बहुत अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, जहाँ पे अचानक से मेरी जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत कम हो गई। इवन तो मैं जिम विम जाता था, एवरीथिंग जाता था, मैं बहुत ज़्यादा बीमार होने लगा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। एंड आई आस्क्ड नियति एंड साइली टू गिव मी डे और 2 डे का टाइम टू फिगर आउट कि हो क्या रहा है। मैंने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती थी। उसके बाद आई रिमेम्बर मेरे डैड फिर मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, उस टाइम पे सबसे पहले तो मुझे कोविड का टेस्ट करना पड़ा, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे, कोविड का टेस्ट हुआ तो पता चला कोविड तो नहीं है बट मुझे एक इन्फेक्शन हो गया, लंग इन्फेक्शन। अब लंग इन्फेक्शन में बेसिकली पता चला कि मेरे जो लंग्स में है, मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला लंग है उसमें काफ़ी पानी भर गया। तो वो सब देखने के बाद डेफिनेटली डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन है तो ऑपरेशन से ही निकलेगा, विल कट इट एंड विल टेक आउट द इन्फेक्टेड पार्ट, बेसिकली पस हो जाता है, वो पस को निकालेंगे हम सिरिंज के थ्रू। नाउ बहुत ही वियर्ड टाइम था बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैंने गलती क्या की, और डॉक्टर भी बोले कि कोई रीज़न नहीं है इस चीज़ का, आपको हो गया है, किसी को भी हो जाता है, दर नो रीज़न फॉर इट, बिकॉज मैं बहुत हेल्दी खाना खाता था, मैं जिम जाता था, एवरीथिंग वॉज राइट, फिर भी ये इंसिडेंट देखना पड़ा तो मुझे बड़ा अपसेट फील हुआ। ऊपर से मैंने नया नया इनका टीम ज्वाइन किया था, वो भी काम रुक गया, आस्क फॉर अ लीव 1-1.5 महीना, आई वॉज 10 दिन 12 दिन तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, वापस आया तो बहुत कमज़ोर हो गया था, नहीं उठ पाता था, काम नहीं कर पाता था, लेटा रहता था। इवन दो गुंजन वॉज देयर, शी वॉज हैंडलिंग द पेज, कुछ ना कुछ हम डाल रहे थे रील्स, बट अदर देन दैट कुछ हो ही नहीं रहा था यार, मतलब बहुत बुरा लग रहा था। फिर ऑब्वियसली मैं उनकी टीम को, मतलब इतना देर तो मैं काम नहीं कर सकता था, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि
अनफॉर्चुनेटली आई वोंट बी एबल टू वर्क विद यू गाइस। एंड मुझे बहुत बुरा लगा अंदर से, मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मैंने इतना 4-5 दिन काम किया, बहुत मेहनत की थी मैंने, उनको भी मेरा काम पसंद आ रहा था, रिपोर्ट बनाए थे, सब कुछ किया था, बट ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई कि समहाउ मुझे किसी एक फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर के पेज पे स्टोरी पे बेसिकली एक मैनेजर दिखी, तो शी वॉज मैनेजिंग पीपल राइट द फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर, तो फ्रीलांसर थी, आई रीच्ड आउट टू हर, शी वॉज वेरी हैप्पी एंड यू वोंट बिलीव मुझे उसी एक हफ्ते में 2 बड़े ब्रांड डील्स आ गए। आई वॉज शॉक्ड कि वाओ वाओ, मतलब मैं कितना मर रहा था और अचानक से आ गया। एंड ये ठीक होने के कुछ दिन बाद ही हो गया राइट, तो एवरीथिंग वाज प्लान्ड। आई बिलीव अगर मैं इन्हीं के साथ काम करता रहता तो शायद ये ब्रांड डील नहीं मिलता या मैं नहीं डिस्कवर कर पाता। मैं डिस्कवर किया एंड थिंग्स स्टार्टेड टू वर्क। उसके बाद मुझे ब्रांड डील्स पे ब्रांड डील्स आने लगे और बहुत अच्छे अच्छे डील्स आने लगे। फिर मैंने एजेंसीज के साथ बहुत सारे टाई अप किया, उन एजेंसीज के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड डील्स आने लगे। ऐसे ऐसे कंपनीज के साथ काम कर रहा था जिनको मैं सिर्फ दूर से देखता था, मैं उनका प्रोडक्ट यूज़ करता था एंड आई कैन नेवर से कि मैं उन ब्रांड्स के लिए काम कर सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है। आई वॉज वेरी हैप्पी, थिंग्स वर वर्किंग वेरी ग्रेट। एंड उसके बाद धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज आने लगी, मैंने फिगर आउट किया कि आई हैव टू ग्रो माई प्रेजेंस, जहाँ पे मुझे लिंक्डइन पे भी होना चाहिए, मुझे ट्विटर पे भी होना चाहिए। मैंने इन दोनों प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डालना शुरू किया एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा रिस्पांस। आई एम मेकिंग जेन्युइन कॉन्टैक्ट्स एंड उसी में से एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिला जहाँ पे मुझे एक बड़े ब्रांड के लिए यूट्यूब वीडियो शूट करना था, तो उनकी यूट्यूब वीडियोज थे। मैं स्टूडियो में गया, अंधेरी के एक स्टूडियो में था एंड आई हैड टू शूट। अब जो बंदा हमेशा से अकेले ही शूट करता है उसके लिए बहुत ऑड था ये, 12-15 लोग उसी रूम में थे, 2 कैमरामैन थे जो 2 कैमराज लगे हुए थे, फिर यू नो देयर वाज अ टेलीप्रॉम्प्टर जिसको मैं पहली बार लाइफ में देख रहा था। टेलीप्रॉम्प्टर इज लाइक एक बड़ा सा डिवाइस होता है, कैमरा के साथ ही रहता है एंड आप उससे पढ़ सकते हो। तो जब भी आप न्यूज़ एंकर्स को देखते हो आपको लगता है कि वो एकदम इम्प्रॉम्प्ट बातें कर रहे हैं, बट एक्चुअली टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है जिसको देख के वो पढ़ रहे होते हैं। तो उनका स्क्रीन एकदम, मतलब उनका फेस एकदम कैमरा की तरफ होता है और लगता है कि वो कैमरा से ही बात कर रहे हैं, जो कि टेलीप्रॉम्प्टर का एक्चुअल यूज़ है। तो कुछ टाइम तो मुझे लग गया टेलीप्रॉम्प्टर को समझने में, ऊपर से मुझे बहुत डर भी लग रहा था अंदर से कि यार ये क्या हो रहा है, बहुत नया नया था सब कुछ, बहुत ही नया था। बट कुछ वीडियोज़ के बाद मैं समझ गया एंड मैंने 10 वीडियो का प्लान था उस दिन निकालना, 10 वीडियो, हर एक वीडियो 6-7 मिनट का था एंड काफ़ी टाइम तो सेटअप में भी लग गया, बट इवेंचुअली आई मैनेज टू गिव देम 7 वीडियोज विच वॉज इनसेन। मैं बहुत खुश था बट ऑफकोर्स एक बहुत ज़्यादा लर्निंग थी मेरे लिए इतने सारे लोगों के साथ काम करना, जब सबके सब आपकी कोशिश करे कि आपका ही वीडियो अच्छा हो। फिर देयर वॉज अ मेकअप भी हो रहा था मेरा, सो एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग थी ये, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा, कुछ नया था। एंड वो एक अपॉर्चुनिटी के बाद आई हैव गॉट लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे मुझे जाने मिला कॉन्फ्रेंसेस में एंड ऑल दैट। आई एम वेरी हैप्पी विथ वेयर आई एम राइट नाउ एंड अब सबको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, बट व्हेनेवर यू आर इन अ कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी आपको एक चीज़ बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी कि हमेशा अच्छा दिन नहीं चलता। लाइक कुछ महीने विल बी ऑसम, बहुत ही अच्छा पैसा आएगा, बहुत भर भर के पैसा आएगा, बट कुछ महीने बहुत डाउन होगा, बट आपका जो डाउन भी होगा ना वो आपके प्रीवियस डाउन से ऊपर होगा। तो व्हाट आई रियली मीन टू से इज कि स्टॉक मार्केट भी जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहता है और आगे पीछे ऊपर नीचे, तो उसी तरीके से आपका भी ग्रोथ होता है। बट अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, इवन दो देयर इज अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स। वही चीज़ एक कॉन्टेंट क्रिएटर और एक फ्रीलांसर के लाइफ में भी होता है। तो इफ यू कैन हैंडल ऑल ऑफ दैट देन ग्रेट। तो आपको अपनी फाइनेंसेस बहुत अच्छे से हैंडल करने पड़ते हैं, क्योंकि ऊपर वाला बहुत अच्छा होता है, बहुत ही सही होता है। मतलब ऊपर जब आपका कुछ कुछ महीना इतना औसम होता है कि आप ऑलमोस्ट साल का पैसा निकाल लोगे, इतना अच्छा होता है, और वह कुछ महीने कम होता है, विच इज़ ओके राइट। ब्रांड के भी खुद के अपने ये होते हैं, वो लोग भी जब मार्केटिंग करते हैं तो कुछ एक पर्टिकुलर मंथ्स में ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं, कुछ महीने में नहीं करते, और उस टाइप में ऐसा होता है। कई बार आपका ऐसा हो सकता है कि देर आर मोर क्रिएटर्स आउट देयर, तो वो लोग भी शेयर ले रहे हैं, कई बार आपके व्यूज़ भी डाउन हो जाते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि आप कॉन्टेंट बनाते रहो। अगर आप कॉन्टेंट बनाते रहोगे, अपना काम करते रहोगे,
चीज़ें विल वर्क आउट फॉर यू. एंड ऑल्सो द कॉन्टेंट क्रिएशन की जर्नी जो है ना, वो कोई 5 साल की जर्नी तो है नहीं, 6 साल की जर्नी तो है नहीं. मुझे पता है कि आई विल एंड अप मेकिंग वीडियोज फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ. यहाँ पे बनाऊंगा, कहीं और पे बनाऊंगा, बनाता रहूंगा. दैट्स द पॉइंट. तो जब बनाता ही रह रहा हूँ तो इवेंचुअली सीखता भी जाऊँगा, और जितना सीखूंगा उतना बेटर होता जाऊँगा. एंड ये चीज़ जब मैं करने ही वाला हूँ तो मुझे क्या डर है, राइट? एंड मेरे फाइनेंसेस सच में बहुत अच्छे हैं. मैं अभी लोगों को सिखाता हूँ तो मेरे भी खुद के काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ पे मेरे पैसे SIP पे भी जाते हैं, मैं घर भी अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ, एंड मेरे कुछ ज़्यादा खर्चे भी नहीं है. मैं बहुत कम एक्सपेंसेस में जी सकता हूँ, कोई पार्टीज नहीं करता, ठीक है? नॉट दैट आई एम सेइंग कि पार्टी नहीं करनी चाहिए, बट मेरे एक्सपेंसेस एक्चुअली में कम है, एंड आई हैव मैनेज टू बिल्ड इन सच अ वे. तो फिर उसके बाद देन यू ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर यू. आप कुछ नया बिजनेस करते हो, आप कोई नया नई चीज़ें ट्राई करते हो, वो सब भी मैंने किया, एंड दैट इज़ हाउ आई बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ थिंग्स. तो आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोलने पड़ेंगे अपने लिए, एंड वो धीरे धीरे करके आपके लिए ग्रो करता रहेगा, एंड डेफिनेटली वो बहुत अच्छा चीज़ है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आपको अगर मज़ा आ रहा है तो बहुत ही सही है. मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे वीडियोज़ बनाने में सच में मज़ा आता है. एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ स्मॉल टाइम कि चलो आज वीडियो बूम हो गया, 5 साल में बहुत पैसा कमा लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है. आई विल कंटिन्यू मेकिंग वीडियोज. हाँ, मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करूंगा, बट आई विल कंटिन्यू मेकिंग वीडियोज, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आप भी यही करना चाहते हो तो आपको भी यही करना चाहिए, और आपको भी बहुत सीरियसली करना चाहिए. और अगर आप सीरियसली कर भी रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ मंथ्स शायद डाउन हो सकते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि पैसे ना आए, बट इफ़ यू कंटिन्यू टू ग्रो आपको लोग नोटिस करेंगे, आपको एजेंसीज नोटिस करेगी, और आपको बहुत सारा काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा. एंड आई कैन सी दैट हर कोई फाइनेंस क्रिएटर जो है बहुत अच्छे से पैसे कमा रहे हैं, टेक वाले है वो भी बहुत अच्छे से पैसे कमा रहे हैं, सब लोग ही अच्छा कर रहे हैं. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी. आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला, और अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. दैट्स इट, ये था सेकेंड ब्लॉग. एंड ऐसे कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें मैं लाता रहूँगा, सो दैट मैं लोगों को कुछ नया सिखा सकूँ. ये मेरी जर्नी की बात चल रही है, एंड इवेंचुअली हम और भी बहुत सीरियस टॉपिक्स पर बात करेंगे. मेरी कुछ नई लर्निंग्स है उसके बारे में भी बात करूँगा. थैंक यू सो मच. दैट्स इट, बाय बाय.